वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 20 मार्च 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे दो क्वेश्चन पूछे आएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स पर रिलेटेड होगा और दूसरा क्वेश्चन जनरल स्टडीज रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। आज की वीडियो की PDF आप हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने टेलीग्राम ऐप पर द जीएस प्लेटफॉर्म को सर्च करें और उस चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सारी PDFs क्विज प्रोवाइड कराई जाती हैं। चलिए आज की वीडियो तो कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था कि मार्च अप्रैल 2020 में अफ्रीकी लॉयन सैन अभ्यास कहाँ होने वाला था। तो इसका सही उत्तर था मोरक्को, ट्यूनिसिया और सेनेगल, ये तीनों अफ्रीकी देश हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी टीम ISL यानी कि इंडियन सुपर लीग जीतने वाली लगातार 3 बार जीतने वाली पहली टीम बनी, सॉरी 3 जीतने वाली पहली टीम बनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ATK कोलकाता। इसने 2014, 2016 और 2020 में ISL के खिताब को जीता है। तीसरा क्वेश्चन, आयुत कारखाना दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 18 मार्च। चौथा क्वेश्चन, किस राज्य ने ब्रेक द चैन नामक एक बड़े पैमाने पर हाथ धोने का अभियान शुरू किया है। सही उत्तर है केरल ने। पांचवा क्वेश्चन, भारत के बने किस हल्के लड़ाकू विमान ने फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस हेतु पहली सफल उड़ान भरी। सही उत्तर है तेजस ने। छठवां क्वेश्चन, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हाल ही में 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने फीसद कर दिया है। तो सही उत्तर है 5.3%। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में किसे युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। सही उत्तर है A. अजय कुमार को। आठवां क्वेश्चन, ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस भारत में किस स्टेज पर पहुंच चुका है। सही उत्तर है स्टेज 2 पर। और अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने प्रतिस्पर्धी विरोधी व्यवहार के लिए एप्पल पर 1.1 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। सही उत्तर है फ्रांस ने। कल की कुछ के आंसर, कल करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कौशल सतरंग योजना शुरू की गई। तो सही उत्तर था उत्तर प्रदेश। GS में आपसे पूछा गया था कि सबसे छोटा पक्षी कौन है। सही उत्तर है हमिंगबर्ड। और आप में से अधिकांश लोगों ने दोनों क्वेश्चन के आंसर सही बताए थे। अब आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय वायुसेना के कितने स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन B, 83। तो रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 18 मार्च 2020 को भारतीय वायुसेना के लिए 83 स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भविष्य में भारतीय वायुसेना के लिए सबसे महत्वपूर्ण बनने जा रहा है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने स्वदेशी रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण के लिए लगभग 1300 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की। बात तेजस की करें तो तेजस एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है यानी कि इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसीलिए इसे LCA भी बोलते हैं, जैसे कि वैमानिकन विकास एजेंसी हिंदी में, जबकि इंग्लिश में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह सबसे छोटे हल्के वजन का एकल इंजन वाला बहु भूमिका निभाने वाला एक सामरिक लड़ाकू विमान है यानी कि मल्टी रोल ट्रैक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसे रूस के MiG-21 लड़ाकू विमानों पर अपनी निर्भरता को कम करने तथा स्वदेशी युद्धास्त्रों के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की ओर बढ़ने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। तेजस की बात करें तो तेजस की जो गति है वो 2376 किलोमीटर प्रति घंटा और तेजस का वजन है 6560 किलोग्राम। तेजस की ऊंचाई है 4.40 मीटर, वही लंबाई है 13.20 मीटर। तेजस के विमान का ढांचा कार्बन फाइबर, एल्यूमिनियम एलॉय और टाइटेनियम से मिलकर बना है। यह हवा से हवा में तथा हवा से सतह पर मिसाइल दागने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा ने एक विधेयक पारित किया है जो महिलाओं की विशेष श्रेणियों के लिए गर्भपात की वर्तमान 20 सप्ताह की सीमा को बढ़ाकर कितने सप्ताह तक करना चाहता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन D, 24। तो 17 मार्च 2020 को लोकसभा ने एक विधेयक पारित किया जो महिलाओं की विशेष श्रेणियों के लिए गर्भपात की वर्तमान 20 सप्ताह की सीमा को बढ़ाकर 24 सप्ताह तक करना चाहता है। इस श्रेणी में रेप पीड़िता, अनाचार की शिकार, दिव्यांग और नाबालिग भी शामिल हैं। संशोधित गर्भपात संशोधन विधेयक 2020-1971 में संशोधन करना चाहता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शहरी विकास पर संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार कितने शहरों को ODF+ के रूप में प्रमाणित किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन B, 1276 यानी 1276। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के चरण 2 के तहत खुले में शौच से मुक्त ODF+ और ODF++ पर काम की प्रगति धीमी रही है। यह शहरी विकास पर संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्ट के में सामने आया। ODF घोषित 4320 शहरों में से 1276 शहरों को ODF+ के रूप में प्रमाणित किया गया है। अब देखिए ODF वाले शहर 3 श्रेणी में बांटे जाते हैं, ODF, ODF+ एंड ODF++।
तो सबसे पहले जानते हैं ODF क्या होता है। ODF के तहत मापदंड है कि एक शहर या वार्ड को ODF शहर के रूप में तब अधिसूचित किया जाता है अगर दिन के किसी भी समय कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है, ठीक है। जबकि ODF प्लस में क्या होता है, इसमें देखिएगा, इसमें क्या है, यदि किसी दिन भी किसी भी व्यक्ति को खुले में शौच या पेशाब करते हुए नहीं पाया जाता है और सभी सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालय कार्यात्मक अवस्था में और सुव्यवस्थित अवस्था में होते हैं, तब उस शहर को ODF प्लस शहर का दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा उन शहरों और कस्बों को ODF प्लस के अंतर्गत रखा जाता है जो पहले से ही आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा निर्धारित ODF प्रोटोकॉल के अनुसार ODF स्थिति प्राप्त कर चुके हैं और शौचालय सुविधाओं के उचित रखरखाव के लिए ODF स्थिति की निरंतरता सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। अब देखते हैं ODF प्लस प्लस में किस के मापदंड हैं। तो ODF प्लस प्लस में मल, कीचड़, सेप्टेज और नालियों का सुरक्षित रूप से प्रबंधन और उपचार किया जाए जिसमें किसी प्रकार के अनुपचारित कीचड़, सेप्टेज और नालियों की निकासी जल निकायों या खुले क्षेत्रों के नालों में ना हो, और इसमें सभी के लिए सुरक्षित स्थायी स्वच्छता प्राप्त करने हेतु ODF प्लस के प्रोटोकॉल के अलावा सभी संग्रहणीय मल और सीवेज के सुरक्षित संग्रहण, परिवहन, उपचार और निपटान शामिल हैं। यह शहरों में स्वच्छता की निरंतर स्थिरता के लिए उल्लेखनीय कदम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। तो हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की शुरुआत की है। इसके लिए वकील 21 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस स्कीम के तहत वकीलों के वेलफेयर के लिए काम किए जाएंगे। इस योजना का बजट तकरीबन 50 करोड़ रुपए तय किया गया है। इसमें इस योजना में वकीलों को स्वास्थ्य बीमा, ई लाइब्रेरी और कोर्ट में क्रेच जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में SC ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को हटा दिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को खत्म कर दिया है। अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने पर त्रिवेंद्र रावत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने पदोन्नति पर लगी रोक को भी हटा दिया है। आदेश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के क्रम में सरकार ने 11 सितंबर 2019 को पदोन्नति में लगाई रोक को समाप्त कर दिया गया है। इससे तकरीबन 30,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। बात उत्तराखंड की करें तो राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड का गठन उत्तर प्रदेश से कटकर 9 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान में उत्तराखंड में जिलों की संख्या है 13। वर्तमान में उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की संख्या 71, राज्यसभा सीटों की संख्या है 3, वहीं लोकसभा सीटों की संख्या है 5। अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दक्षिणी राज्यों के मामलों की सुनवाई के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक पीठ का गठन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, चेन्नई। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि NCLAT की एक पीठ का गठन चेन्नई में किया गया है। यह पीठ दक्षिणी राज्यों के मामलों को देखेगी। सरकार ने अपीलीय न्यायाधिकरण की चेन्नई पीठ के गठन को सूचित कर दिया गया है। हालांकि दिल्ली पीठ प्रमुख पीठ के रूप में काम करती रहेगी। NCLAT की चेन्नई बैठक चेन्नई पीठ कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण यानी कि NCLAT के आदेशों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने हाल ही में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए हेतु विकासशील सदस्य देशों के लिए $6.5 अरब का पैकेज देने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एशियाई विकास बैंक, ADB। तो ADB के अनुसार कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए विकासशील सदस्य देशों की तात्कालिक सहायता हेतु शुरुआती पैकेज की घोषणा की गई है। ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। इसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। वर्तमान में एशियाई विकास बैंक ADB में 67 सदस्य हैं जिनमें से 48 एशिया प्रशांत क्षेत्र के हैं। ADB में शेयरों का सबसे बड़ा अनुपात जापान का है और इसका नाम भले ही एशियाई विकास बैंक है लेकिन इसमें एशिया के बाहर के देश भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी क्लाउडिंग कंप्यूटिंग कंपनी सेल्स फोर्स ने SBI की किस पूर्व चेयरमैन को अपनी भारतीय इकाई सेल्स फोर्स इंडिया का चेयरमैन और CEO नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुंधति भट्टाचार्य। SBI की पूर्व चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य अब सेल्स फोर्स इंडिया की CEO होंगी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अप्रैल 2020 को अरुंधति भट्टाचार्य सेल्स फोर्स इंडिया के चेयरमैन और CEO का पदभार संभालेंगे। सेल्स फोर्स इंडिया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी कि CRM सॉफ्टवेयर की दुनिया भर की टॉप की कंपनियों में शामिल है। अरुंधति भट्टाचार्य इस समय विप्रो में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर भी काम कर रही हैं। 9वां क्वेश्चन,
भारत के किस संस्थान ने हाल ही में शीघ्र रक्षा और रोकने की स्टार्च आधारित एक हेमोस्टेट पदार्थ विकसित करने में सफलता प्राप्त की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने दुर्घटना की स्थिति में शीघ्र रक्तस्राव रोकने को लिए स्टार्च आधारित एक हेमोस्टेट पदार्थ विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। वैज्ञानिकों का मानना है कि स्टार्च आधारित हेमोस्टेट पदार्थ रक्त के अतिरिक्त द्रव को अवशोषित कर रक्त जमाव में सहायता प्रदान करता है। इस संस्थान की स्थापना भारत सरकार के नैनो मिशन के तहत वर्ष 2013 में की गई थी। INST यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है और इसकी स्थापना भारत सरकार के नैनो मिशन के तहत वर्ष 2013 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध और विकास को बढ़ावा देना है। अब हेमोस्टेट की बात करें तो विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान में स्टार्च आधारित जैव निम्नीय हेमोस्टेट पदार्थ के कुछ अन्य विकल्प भी मौजूद उपलब्ध हैं, परंतु उनकी धीमी द्रव अवशोषक क्षमता और घावों के ऊतकों पर खराब आसंजन क्षमता के कारण उनकी उपयोगिता बहुत ही सीमित है। जानवरों पर प्रयोग के दौरान इस पदार्थ के उपयोग से मध्यम से भारी रक्तस्राव को एक मिनट से कम समय में रोकने में भी सफलता प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, जुलाई 2020 में सातवां वर्ल्ड सिटीज समिट कहाँ आयोजित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर। सातवां वर्ल्ड सिटीज समिट ही 5 से 9 जुलाई 2020 तक सिंगापुर में 9वें सिंगापुर इंटरनेशनल वाटर वीक और 5वें क्लीन एनविरो समिट सिंगापुर के संयोजन में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन सिंगापुर के सेंटर फॉर लिवेबल सिटीज और अर्बन रीडेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया जाएगा। इसका विषय लिवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज अपडेटिंग टूअर्ड डिस्पर्टीड वर्ल्ड होगा। अब आज की क्विज, तो करंट अफेयर्स में आज आपके लिए क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अंगदान तथा प्रत्यारोपण में तमिलनाडु और तेलंगाना को पीछे छोड़ दिया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। वहीं GS में आज आपके लिए क्वेश्चन है कि कुचुपुड़ी किस राज्य का क्लासिकल डांस है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।